नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। देश महामारी के बड़े संकट से जूझ रहा है। अदृश्य शत्रु देश पर कहर ढा रहा है और इस संकट के बीच कुछ जाबांज योद्धा महामारी रूपी दुश्मन से हर मोर्चे पर लड़ रहे हैं। डॉक्टर, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, सरकारी अमला इस वक्त मैदान में उतरकर लोगों की जान बचाने में जुटा हुआ है। जिन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है बल्कि चिंता है उन्हें अपने देश की और देशवासियों की। कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कई तरह से कोरोना योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं, कई लोगों को जागरूक कर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, तो कई लॉकडाउन के इस मुश्किल वक्त में गरीबों के लिए मसीहा बनकर सही मायनों में योद्धा बनकर सामने आ रहे हैं। तो चलिए, आज की खास पेशकश में हम बात करेंगे ऐसे ही कोरोना योद्धाओं की जो कई तरह से देश के लिए इस वक्त संकट के वक्त में आगे आ रहे हैं। कोरोना के कारण देश भर में जारी लॉकडाउन के दौरान डॉक्टर्स और पुलिस महकमा जी जान से देश की सेवा में जुटा हुआ है। ऐसे में गाहे बगाहे पुलिस के मोटिवेशनल वीडियोस और ऑडियोस भी सामने आ रहे हैं। कहीं पुलिस भूखों को भोजन करा रही है तो कहीं लाउड स्पीकर से गीत गाकर लोगों को घरों में ही रहने का संदेश दे रही है। इस बीच राजस्थान के जयपुर ग्रामीण इलाके के गोविंदगढ़ थाना प्रभारी का एक वीडियो सामने आया है और इस ऑडियो मैसेज में बड़े ही मार्मिक अंदाज में SM यहाँ पर जो उनकी पोस्ट है वो SHO जो कि अरविंद भारद्वाज नाम रखते हैं अपना, लोगों से घरों में रहने की अपील करते नजर आ रहे हैं। सुनिए। कृपया घरों से बाहर ना निकलें, एडवाइजरी का पालन करें, परंतु कुछ लोग अभी भी कानून तोड़ने से, एडवाइजरी तोड़ने से बाज नहीं आ रहे। शायद वो इसकी भयावहता को नहीं जानते। हम घरों से बाहर सिर्फ इसलिए हैं कि आप घरों के अंदर रह सको, हमें आपकी वजह से बाहर निकलना पड़ रहा है। बच्चे हमारे भी हैं। चार बार फोन करके पूछते हैं बच्चे, पापा ग्लव्स पहने कि नहीं पहने, पापा मास्क लगाया कि नहीं लगाया। पत्नी दो तीन बार फोन करके पूछती है खाना खाया कि नहीं खाया। हकीकत में वो खाने की नहीं पूछती है, वो ये देखना चाहती है कि मेरा पति कहीं बीमार तो नहीं हो गया, वो आवाज से अंदाजा लगाना चाहती है। कृपया समझिए, बूढ़ी मां बीमार है, वो फोन का इंतजार करती है कि बेटे का फोन आएगा। हम लोग 24 घंटे सातों दिन आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं, खड़े हैं, पीछे हटेंगे भी नहीं, चाहे से भयानक समय आ जाए तब भी नहीं हटेंगे। विश्वास रखिए हम पर, परंतु कृपया हमें सहयोग तो कीजिए, घरों में रहिए, एडवाइजरी का पालन करिए। चार लाइन दे रहा हूं, अगर आपको दिल को छुए तो। मेरी माँ को दवाई के भरोसे छोड़ आया हूँ, दो नन्नी नन्नी परियों को मैं सोता छोड़ आया हूँ, कि अपना ख्याल रखना तुम ही आधार हो घर के, कि पल्लू ठूस कर पत्नी को रोता छोड़ आया हूँ। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है। पुलिस कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है और इस बीच हटा पुलिस अपने ही अंदाज में लोगों को जागरूक करती नजर आ रही है। थाना प्रभारी श्याम बेन चौक चौराहों और गांव की गलियों में गाना गाकर लोगों को कोरोना के खतरे से आगाह कर रहे हैं। गाने के जरिए पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही लोगों से घरों में रहने की अपील करती नजर आ रही है। आप भी सुने। लोग घरों से निकल करते हैं, मोदी जी की बातों को अनसुना करते हैं, जाने क्यों लोग घरों से निकल करते हैं। महामारी की कभी निकल नहीं समझे, कहना है भारत लॉकडाउन को सही अंजाम देना है। हो क्या
किसके मिलने से, किसके छूने से, किसके छिकने से, ये बीमारी कितनों को तबाह करती है। घर से बाहर भूले से भी पाँव नहीं धरना, काहे बुलाए तुमको बेबिया बाबू सोना, चाहे बुलाए तुमको बेबिया बाबू सोना। अरे भैया जी बड़ा जालिम है कोरोना, अरे बहना जी बड़ा जालिम है कोरोना। हाथ जोड़ कर विनती है घर से मत निकलो। कोरोना वायरस से जंग के खिलाफ हर कोई लोगों को जागरूक करता नजर आ रहा है। सिवनी मालमा में भी पुलिस के अधिकारी कर्मचारी पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, साथ ही लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बारापुरा में एसडीओपी सौम्या अग्रवाल और थाना प्रभारी ने गानों के जरिए लोगों को जागरूक किया है और घरों में रहने की अपील की है। इंदौर में लॉकडाउन के चलते सब कुछ बंद है और ऐसे में नगर निगम आम जन के घर घर तक राशन पहुंचा रहा है। इस बीच नगर निगम की मदद करने के लिए इंदौर पुलिस प्रशासन ने अपने विभाग की करीब 100 गाड़ियों को राशन पहुंचाने में लगा दिया है। साथ ही पुलिस प्रशासन ने निगम की गाड़ियों के साथ पुलिस के 2 जवानों की भी ड्यूटी लगा दी है ताकि राशन वितरण के दौरान किसी भी तरह की कानून व्यवस्था न बिगड़े। आईजी विवेक शर्मा ने यह भी बताया है कि पुलिस निगम की गाड़ियों के साथ रहेगी और राशन वितरण प्रणाली में सहयोग करेगी। देखिए, आपको विदित होगा कल सुबह से होम टू होम डिलीवरी शुरू हो रही है, जिसको कि नगर निगम ने 19 जोन्स में बांटा है और उन जोन्स में हमारे करीब 35 थाने लगते हैं। इसमें जो होलसेलर है वो आइडेंटिफाइड है, वो रिटेलर को अपना राशन देगा और आज जो हमने सुबह जो पर्चियां इकट्ठी करी हैं जो प्रशासन ने, उनके हिसाब से वो पैकेट बना के होम टू होम डिलीवर होगा। कई बार ऐसे में लोग भीड़ भड़का इकट्ठा करते हैं, बहुत भीड़ लगा देते हैं और भीड़ लगाते हैं तो उसमें अव्यवस्था की स्थिति होती है और संक्रमित रहने की संभावना भी रहती है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो इसके लिए हमने यहाँ पर 100 प्रहरी मोबाइल्स मोटरसाइकिल पे ये हमने एक स्क्वाड तैयार किया है, जो कि रफली हर जोनल ऑफिसर के पास 5 प्रहरी मोबाइल्स रहेंगी। सलाम है उन डॉक्टर्स पुलिस कर्मियों को जो पूरी शिद्दत से आपकी और हमारी जान की सलामती के लिए इस वक्त मैदान में डटे हुए हैं। इंदौर के टोकोगंज थाने के प्रभारी निर्मल श्रीवास का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो ये बताता है कि ये जंग आसान बिल्कुल भी नहीं है। आपकी सलामती के लिए किस तरह से पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं ये फोटो में देखिए। फोटो में निर्मल श्रीवास और उनकी बेटी दिखाई दे रही हैं। निर्मल श्रीवास जब घर पर खाना खाने पहुंचे तो अपनी बेटी से नहीं मिल सके, घर के बाहर बैठकर खाना खाया। दूर से बेटी अपने पिता को देख रही थी तो पिता की नज़रें भी अपनी मासूम बेटी पर थीं। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर ड्यूटी के चलते निर्मल घर नहीं जाते हैं, होटल में ही रुकते हैं। दिन में सिर्फ एक बार खाना खाने के लिए वो घर जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी वो परिवार से दूर ही रहते हैं। सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर उनके जज्बे को सलाम किया है और लिखा है कि एक तरफ पिता का फ़र्ज तो दूसरी तरफ देश का बेटा होने का फ़र्ज निभाया जा रहा है। तो ये एक तस्वीर जिसके लिए शब्द
शायद कम पड़ जाएं, लेकिन आप तस्वीरों को देखकर इसके भाव समझ सकते हैं, इसके मायने समझ सकते हैं। और कहा भी जाता है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। तो ये वो तस्वीर जो बताती है कि इस वक्त कोरोना वॉरियर्स, जिसमें पुलिस कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, किस तरह से आपकी और हमारी सलामती के लिए डटे हुए हैं और अपना फ़र्ज निभा रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस ने विशेष पहल की है। राजधानी भोपाल के एक निजी अस्पताल जाकर पुलिस ने डॉक्टर्स का हौसला बढ़ाया है। साथ ही पुलिस ने डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के साथ ताली बजाकर हम होंगे कामयाब के गाने के साथ उनका मनोबल बढ़ाया। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए देश में 21 दिनों का लॉकडाउन किया गया है। नक्सल प्रभावित कांकेर में भी कोरोना वायरस की कड़ी को तोड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पुलिस के जवान भी मुस्तैदी से जुटे हैं। इतना ही नहीं, पुलिस कर्मचारियों के घर की महिलाएं भी कोरोना वायरस से जंग में उनका साथ दे रही हैं। घर में मास्क बनाए जा रहे हैं और ज़रूरतमंदों तक फ्री में ये मास्क बांटे जा रहे हैं। आपको बता दें कि महिलाएं इस अभियान में अपनी घरेलू काम काजों से वक्त निकालकर कांकेर पुलिस रक्षित केंद्र में कपड़े के मास्क बनाने में जुटी हुई हैं। अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, इस वजह से हम लोग बना रहे हैं मास्क, जो मार्केट में नहीं मिल रहा है, इसी वजह से जवानों लोग के लिए हम लोग मास्क बना रहे हैं। हम लोग 1000 बना चुके हैं और 500 बनाएंगे। हम लोग सब पुलिस डिपार्ट वाले लोग के लिए, भैया लोग के लिए बना रहे हैं। बाजार में किल्लत है इसकी, इसी कारण, और जो ज़रूरतमंद है उसके लिए भी बने। 1000 मास्क बांट चुके हैं हम लोग और अभी और जारी है बनाने का। यहाँ पर जो पुलिस लाइन की हमारी जो महिलाएं हैं, जो जिनके जो भी परिवार वाले जो पुलिस में ड्यूटी कर रहे हैं, उनके लिए इन्होंने स्वयं आकर यहाँ पर पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि वह स्वयं मास्क बनाना चाहते हैं और निःशुल्क इसका वितरण करना चाहते हैं। उस दिन से लगातार ये यहाँ पर काम कर रहे हैं और लगभग 1000 मास्क ये यहाँ पर बना चुके हैं और इसके अलावा अभी दूसरे चरण में 500 मास्क और बना रहे हैं। जो भी पुलिस विभाग के अलावा आकर क्षेत्र में, नक्सल क्षेत्र में जो CF के कैंप है और इसके अलावा जो BSF के कैंप है, वहाँ पर मास्क का वितरण किया जा चुका है। इसके अलावा और भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो हमें संपर्क कर रहे हैं, तो उनकी आवश्यकता के अनुसार हम उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं। कुरवाई में सुप्रीम एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक मुमताज़ अहमद खान ने सैनिटाइज़र मोबाइल वैन बनाई है। उन्होंने अपनी कार में पानी की दो टंकियां रखी हैं, जिसमें एक टंकी में सैनिटाइज़र है तो दूसरी टंकी में साफ पानी भरा हुआ है। उन्होंने ये सैनिटाइज़र मोबाइल वैन प्रशासन को सौंपी है। उनका ऐसा कहना है कि जब लोग सब्जी खरीदने बाजार जाएंगे तो इससे पहले हाथों को सैनिटाइज करेंगे और फिर साफ पानी से सब्जी को धोएं, ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने घर पर ही डॉक्टरों के मार्गदर्शन से ये सैनिटाइज़र तैयार किया है। आप भी इस वैन को काफ़ी ध्यान से देखिए कि कितनी बखूबी समाज के कल्याण के लिए इसकी पहल की गई है। कुरवाई नगर के श्री मुमताज जी द्वारा, जो सुप्रीम एजुकेशन सोसाइटी के फाउंडर हैं, उनके द्वारा ये एक सैनिटाइज़र मशीन दी गई है, जिसमें सैनिटाइज़र प्लस शुद्ध पानी से हाथ धोने और सब्जी धोने की व्यवस्था है। आपके द्वारा रोज़ इसकी सप्लाई हमको की जाएगी। हम सब्जी बाज़ार के पास इसको रखेंगे जब जनता आती है, और नगर पालिका के पास इसको रखवा कर इसमें एक कर्मचारी भी साथ में लगाएंगे, और जो लोग सब्जी लेकर के सीधे अपने घर चले जाते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा कि इसमें सब्जी धो करके, शुद्ध करके और अपने घर लेकर के जाएंगे। जो कोरोना वायरस है, उसमें सबसे मेन चीज़ है कि हाथों को जो है ना साफ़ सफाई होना चाहिए, और जिस चीज़ को हम छू रहे हैं उससे पहले भी हमारे हाथ साफ़ होना चाहिए। उसी को मैंने आधार बनाते हुए आज जो है ना
मैंने ये सैनिटाइज़र मोबाइल वैन बनाया है, इसमें हर व्यक्ति जो है ना किसी भी चीज़ को ख़रीदने से पहले अपना हाथ को सैनिटाइज करे, उसके बाद सिंपल पानी से भी धोए, और फिर अगर सब्ज़ी ले रहा है तो वो सब्ज़ी को भी सैनिटाइज करे। दुकान वालों से मेरा ये अनुरोध है कि वो कृपया जो है ना जब ये वैन जो है ना वहाँ सामने खड़ी हो तो वो उनको हर कस्टमर के लिए प्रेरित करें कि कृपया जो है ना आप हाथ को जो है ना सैनिटाइज करके आएँ और अपनी सामान को ख़रीदें। मंदसौर में समाज सेवी नेहरू भाई मेव ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए महज 48 घंटे में ऑटोमेटिक सैनिटाइजर स्प्रे मशीन बना दी। उन्होंने ये मशीन बनाकर जिला अस्पताल को दान में दी है ताकि अस्पताल में आने जाने वाले डॉक्टर, नर्स, स्टाफ और मरीज सैनिटाइज होने के बाद ही अस्पताल में जाएं। मशीन को काफ़ी आधुनिक तरीके से तैयार किया गया है जिसमें 6 फव्वारे लगे हुए हैं, 100 लीटर पानी की टंकी रखी गई है। जैसे ही कोई व्यक्ति इस मशीन के अंदर जाता है, जिस तरह से आप देख रहे हैं, ऑटोमेटिक स्प्रे शुरू हो जाता है और बाहर निकलने के बाद स्प्रे बंद हो जाता है। मशीन के अंदर से निकलने वाला व्यक्ति पूरी तरह से सैनिटाइज हो जाता है। अधिकारी भी इस मशीन को काफ़ी कारगर बता रहे हैं। यूट्यूब पे मैंने इस मशीन को देखी तो मेरे दिल में मैंने सोचा कि इस मशीन को क्यों ना मैं बना दूँ। फिर कुछ सामान मैंने बाज़ार से फुहारे वगैरह लगाए, 6 फुहारे मैंने इसमें लगाए, चारों तरफ से एक फुहारा, 2 फुहारे साइड से दिए, 2 नीचे से दिए मैंने, ताकि पूरा आदमी क्लीनिंग होके और बाहर निकल जाए। जैसे ही वो आदमी अंदर एंट्री करेगा और एंट्री करके बाहर निकलेगा, अपने आप मशीन बंद हो जाएगी। पूरी ऑटोमेटिक सिस्टम करिए मैंने इसको। हमारे जो डॉक्टर साहब जो इतनी सेवा कर रहे हैं, ये उनके लिए आराम से प्रेशर, उनके ऊपर प्रेशर हो जाए और पूरा क्लीनिंग होके वो बाहर निकल जाए इसके अंदर। इसको महत्वपूर्ण ये है कि इस सैनिटाइज़र मशीन के द्वारा पूरे शरीर को हम सैनिटाइज कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी एक पहल है सैनिटाइजेशन करने की। और इस सैनिटाइजेशन करने के लिए हमने अभी यहाँ 0.2% का सोडियम हाइपोक्लोराइड के सोल्यूशन का उपयोग कर रहे हैं, और ये पूरे नीचे से पांव से लेकर सिर तक ये सैनिटाइज कर देती है, और इससे हम समझते हैं कि हमारे को इन्फेक्शन कंट्रोल में बहुत ही मदद मिलेगी। और देखिए, इस वक्त पूरे देश में लॉकडाउन है और लोग अपने घरों में हैं, लेकिन लोगों के एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखा जा रहा है। पुलिस इसका खास ध्यान रख रही है। गुजरात के अहमदाबाद से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जहां पर वस्त्रापुर इलाके में सिंगर ने लाइव परफॉर्मेंस दिया है। फर्क सिर्फ इतना था कि लोग अपनी अपनी गैलरी से इसका लुत्फ उठा रहे थे। डिंडोरी में कोरोना वायरस से बचने के लिए समाज सेवियों ने एक अनूठी पहल की है। लॉकडाउन के मद्देनजर डिंडोरी में सब कुछ बंद है। इस दौरान समाज सेवी दशरथ पेंटर कोरोना से बचाव के लिए लोगों की दीवारों में स्लोगन लिखकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो वहीं मुस्लिम एकता कमेटी के सदस्य गरीबों के घर घर जाकर उन्हें राशन दे रहे हैं। कुछ सहायता है इधर, ये अपनी तो देखिए, अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक करने का काम हो रहा है। सीहोर के आष्टा तहसील की तस्वीरें देखिए, जहां पर सड़कों पर बनी कलाकृतियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इन पेंटिंग्स के जरिए छोटे से गांव के धर्मेंद्र पेंटर लोगों को कोरोना के लिए और इस लॉकडाउन के प्रति जागरूक कर रहे हैं। धर्मेंद्र इन पेंटिंग्स के जरिए कोरोना महामारी से बचाव और मुक्ति के लिए सरकार और प्रशासन की कोशिशों से प्रेरणा लेकर अलग जगाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। देखिए, लिखा है लॉकडाउन का पालन करें। उन्होंने कोरोना का मतलब भी समझाया है, कोई रोने वाला ना मिलेगा।
अशोक नगर में जनता के लिए खोली गई जनता रसोई ने अब लॉकडाउन के दौरान फिर काम शुरू कर दिया है। शहर में मजदूरी करने वालों के लिए बनाई गई जनता रसोई अब खाना पकाकर गरीबों के घर तक पहुंचाने का काम कर रही है। जैसे जैसे लोगों को जनता रसोई के शुरू होने का पता चल रहा है, लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं। कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा के निर्देशन में राजस्व के कर्मचारी भी अपना सहयोग दे रहे हैं। खाना बनाने में भी सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा साफ सफाई का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में मासूम भी अपने हिसाब से मदद कर रहे हैं। करेरा में महिला एवं बाल विकास विभाग में पदस्थ सुपरवाइजर मंजू धाकड़ की बेटी और बेटे ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। धाकड़ की बेटी तन्वी ने संकट के समय में अपना जन्मदिन नहीं मनाया और इस पर खर्च होने वाली राशि को मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिया है। तो वहीं बहन की इस पहल से भाई समृद्ध भी अपने गुल्लक में जमा राशि को राहत कोष में देता नजर आया। दोनों बच्चों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ये राशि दान की है। और इसी तरह से शिवपुरी के पोहरी में भी दो मासूम बच्चियों ने अपनी गुल्लक में जमा राशि को कोरोना के खिलाफ जंग में लड़ने के लिए दान कर दिया है। रिद्धि शर्मा और सिद्धि शर्मा ने एक साल में करीब 2500 रुपए अपने गुल्लक में जमा किए थे और अब इस राशि को उन्होंने मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान करने के लिए SDM को अपना गुल्लक सौंप दिया है। मासूम बच्चियों में एक की उम्र 6 साल है तो दूसरी की उम्र 4 साल है। अधिकारी भी उनके इस जज्बे की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोक लगाने के लिए देश में इस वक्त 21 दिनों का लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन में पुलिस हो, स्वास्थ्य कर्मचारी हो, सब ड्यूटी कर रहे हैं और इन सब के बीच जगदलपुर से एक छोटे से बच्चे की मार्मिक अपील सामने आई है, देखिए आप भी, जिसमें बच्चा हाथ में एक पोस्टर पकड़े है जिस पर लिखा हुआ है, आप लोगों के लिए मेरी मम्मी घर से बाहर हैं, आप लोग अपने परिवार के लिए घर से बाहर मत निकलो। तो ये काफ़ी मासूम से अपील इस मासूम बच्चे की तरफ से की गई है, जो ये बता रहे हैं कि इस वक्त आप अपने घरों पर रहें क्योंकि इन बच्चों के पेरेंट्स, चाहे वो पिता हों या माता हों, घरों से बाहर हैं। कोरोना वॉरियर के तौर पर वो काम कर रहे हैं, इसलिए आप अपने घरों में ही रहें।